साइंसदानों ने जहन्नुम की लोकेशन दरियाफ्त कर ली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात इतनी बड़ी और वसी बनाई है कि इसके अजायब और असरार हर रोज हमें हैरान कर देते हैं। हाल ही में साइंसदानों ने खला की वसअतों को छानते हुए एक ऐसा स्यारा दरियाफ्त किया है जिसने बजा तौर पर जहन्नुमी स्यारे का लकब हासिल कर लिया है। जहन्नुमी स्यारा कहलाने वाला ये स्यारा जमीन से तकरीबन 40 नूरी साल दूर है और ये इंतहाई अजीबो गरीब स्यारा है। ना सिर्फ ये कि इस स्यारे की आबो हवा शदीद गर्म है, बल्कि इस स्यारे से साइंसदानों को कुछ ऐसे अजीबो गरीब सिग्नल्स भी मिलते रहे हैं जिसने साइंसदानों का जीना हराम कर दिया था। साइंसदान सोचने पर मजबूर हो गए थे कि इस इंतहाई गर्म तरीन जहन्नुमी स्यारे पर आखिर कोई मखलूक कैसे आबाद हो सकती है, क्योंकि वो सिग्नल्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे किसी ज़हीन खलाई मखलूक ने जमीन की तरफ सिग्नल भेजा। साइंसदान इस सिग्नल की तहकीकात करते करते बहुत आगे निकल गए और इन्होंने इस स्यारे के बारे में एक चौंका देने वाली दरियाफ्त की। ये स्यारा एक लिहाज से अपने सितारे के खिलाफ ही जंग में मसरूफ है जिसके गिर्द ये गर्दिश करता है। इस लिहाज से ये एक नहायत अजीबो गरीब स्यारा है। साइंसदान अभी तक इस कोशिश में मसरूफ है की इस वजह का पता लगाया जा सके जिसकी वजह से इस स्यारे से हमारे साइंसी आलात को इंफ्रारेड सिग्नल मौसूल होते रहे। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको इस अजीबो गरीब सिग्नल की हकीकत के बारे में बताते हुए ये भी बताएंगे कि इस स्यारे को जहन्नुमी स्यारे का एजाज किस तरह मिला और ये स्यारा अपने पेरेंट स्टार यानी उस सितारे के खिलाफ किस तरह से जंग में मसरूफ है जिसके गिर्द गर्दिश करता है। तो प्यारे साथियों, कैंक्री E55 नाम का ये स्यारा एक ऐसे सितारे के गिर्द गर्दिश करता है जो कैटेगरी के लिहाज से तकरीबन सूरज जैसा ही है, यानी G1 स्टार है। कैंक्री 55 नाम का ये जहन्नुमी स्यारा जमीन से साइज के लिहाज से 2 गुना बड़ा है और जमीन के वजन के लिहाज से तकरीबन 8 गुना ज्यादा बड़ा और वसीओ अरीज है। ये सितारा एक लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है कि ये अपने पेरेंट स्टार यानी जिस सितारे के गिर्द गर्दिश करता है उससे निहायत कम फासले पर है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लें कि जितना फासला जमीन और सूरज के दरमियान है यानी 15 करोड़ किलोमीटर, ये स्यारा उस फासले के सिर्फ 2% फासले पर अपने मेन सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से ये स्यारा इंतहाई शदीद किस्म का गर्म सतही दर्जा हरारत रखता है। इस कदर कम फासले की वजह से ये स्यारा अपने सितारे के गिर्द एक मुकम्मल गर्दिश जमीनी लिहाज से तकरीबन 17 घंटों में मुकम्मल कर लेता है। इस स्यारे की एक खासियत बड़ी अजीबो गरीब है कि ये अपना कुरा हवाई रखता भी है और नहीं भी रखता। इसकी वजह क्या है ये हम आपको अभी बताते हैं। दरअसल अपने सितारे से इस कदर करीब होने की वजह से इस स्यारे के कोर में मौजूद पिघला हुआ लावा इसके वाल्केनोज यानी आतिशफिशां पहाड़ों से बाहर को फूटने लगता है। ऐसा तब होता है जब इसकी वो साइड इसके अपने सूरज की तरफ हो तो वहां से लावा फूट पड़ता है। इस लावे के फूटने से जो गैसेज फिजा में खारिज होती है वो इस स्यारे के गिर्द एक आर्जी कुरह हवाई कायम कर देती है। इसमें निहायत जहरीली गैसें भी शामिल होती हैं, लेकिन फौरन ही या कुछ देर बाद इसके सितारे की तरफ से आने वाले शमसी तूफान इस स्यारे के कुरे हवाई को खला में बिखेर देते हैं और यूं ये स्यारा अपने कुरे हवाई से महरूम हो जाता है। इस जहन्नुमी स्यारे की इस सतह का दर्जा हरारत जो इसके सूरज की तरफ हो वो 2427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसकी वो साइड जो इसके सूरज के मुखालिफ सिमत में हो वहां पर दर्जा हरारत 1127 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिस पे लोहा भी पिघलने के करीब आ जाता है। इसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस स्यारे को बजा तौर पर जहन्नुमी स्यारे का लकब दिया गया है। अब इतने शदीद तरीन गर्म स्यारे पर वो कौन मौजूद है जिसकी तरफ से आने वाले सिग्नल्स जेम वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किए हैं। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान इस मामले पर तहकीकात कर रहे थे और इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल मेथड का इंतखाब किया जिसमें स्यारे को उस वक्त चेक किया जाता है जब वो अपने सूरज के सामने से गुजर रहा। आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि हर जिस्म अपनी गर्मी के लिहाज से इंफ्रारेड शुआएं खारिज करता है। जो जिस्म जितना ज्यादा गर्म हो वो उतनी ही ज्यादा शिद्दत की इंफ्रारेड शुआएं खारिज करता है। माहरीन ने इस स्यारे की जानिब से आने वाले जो सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं वो भी ज्यादातर इंफ्रारेड शुआओं पर ही मुश्तमिल है। होता दरअसल ये है कि जब ये स्यारा अपने सूरज की दूसरी साइड पे हो और हमें नजर न आ रहा हो तो उस वक्त भी इसकी तरफ से आने वाली इंफ्रारेड शुआएं इसके अपने सूरज के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हम तक पहुंचती हैं, जिसे साइंसदान समझने में नाकाम रहे थे। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने निहायत बारीक बीनी से जब इसका तजिया किया तो इन्हें मालूम हुआ कि दरअसल जब इस स्यारे पर आर्जी तौर पर इसका कुरह हवाई आतिशफिशानी गैसों की वजह से कायम होता है तो इसकी वजह से ये इंफ्रारेड सिग्नल दब जाते हैं और इनकी ताकत कमजोर हो जाती है,
जब इस सियारे के सितारे की जानिब से आने वाले शमसी तूफान इस एटमॉस्फेयर को यानी कुरह हवाई को खला में बिखेर देते हैं, तब एकदम से वो इंफ्रारेड सिग्नल ताकतवर हो जाते हैं। इन्हीं वक्फों को साइंसदान समझने की कोशिश कर रहे थे और ये मुहिमा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सुलझा दिया। यूं साइंसदानों को मालूम हुआ कि इस जहनमी सियारे पर ऐसी कोई मखलूक आबाद नहीं है जो हम तक ये इंफ्रारेड सिग्नल भेज रही हो। दरअसल ये सारी कारिस्तानी इस सियारे पर लम्हाती तौर पर कायम होने वाले उस कुरह हवाई की वजह से थी। इसकी वजह से ये इंफ्रारेड सिग्नल अपनी ताकत में कम या ज्यादा होते रहते थे, जिन्हें माहरीन ने शुरू शुरू में किसी खलाई मखलूक के सिग्नल पर क्यास कर लिया। दोस्तों, खला की बेकरा वस्तों में मौजूद ये अजीबो गरीब सियारा सिर्फ एक ही अपनी नेचर में ऐसा नहीं है, बल्कि इस तरह के बेशुमार सियारे सिर्फ हमारी कहकशां में ही अरबों की तादाद में मौजूद हैं। शुरू शुरू में माहरीन का इस जहनमी सियारे के बारे में ख्याल था कि हो सकता है कि इसके पेरेंट स्टार यानी इसके अपने सूरज की रोशनी किसी हद तक कम हो, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी किस्म का कोई कुरह हवाई मौजूद हो सकता है। लेकिन जब मजीद तहकीकात की गई तो ये खुशफहमी दूर हो गई। अलबत्ता साइंसदान अब भी खला में अपने आसपास मौजूद ऐसे सियारों की छानबीन कर रहे हैं जहाँ पे मुस्तकबिल में इंसान जाकर आबाद हो सके और वो सियारा इंसानों का दूसरा घर बन जाए। इसी तलाश में हमें इस तरह के अजीबो गरीब सियारे भी देखने को मिलते रहते हैं। हमारे ही निजामे शमसी में नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जहाँ पर हीरों की बारिश होती है। इसकी वजह यह है कि इसकी फिजा में कार्बन काफी मिकदार में मौजूद है और जब वो कार्बन उस गैसी सियारे के बेपना प्रेशर की जद में आती है तो इस बेतहाशा प्रेशर की वजह से वो कार्बन अपनी खालिस तरीन शक्ल यानी हीरे में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमारे निजामे शमसी में मौजूद ज़ोरा नामी सियारा, जिसे कदीम यूनानी फिलासफर हुसन की देवी करार देते थे, वो सियारा भी किसी तौर इस जहनमी सियारे से कम नहीं है। वहां पर दर्जा हरारत इस कदर ज्यादा है कि वहां पर पिघले हुए लोहे और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। ज़ोरा सियारे का कुरह हवाई तो है, लेकिन वो शदीद तरीन जहरीली गैसों से भरा हुआ है और वहाँ पर फिजाई प्रेशर इस कदर ज्यादा है कि इंसानों की भेजी हुई खलाई गाड़ियाँ वहाँ पर चंद मिनट से ज्यादा कायम नहीं रह सकती और इस बेपनाह प्रेशर की वजह से पिचक कर खत्म हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई इस कायनात में ऐसे बेशुमार अजूबे रोजगार किस्म के सियारे मौजूद हैं और अभी इंसान इन्हें पूरी तरह जानते भी नहीं। अलबत्ता इंसानों की इन्हीं तहकीकात के नतीजे में हम ऐसे खूबसूरत और खौफनाक सियारों के बारे में जानते रहते हैं। इस जहनमी सियारे पर मजीद तहकीकात भी हो रही हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि वो कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से ये सियारा अपने सूरज के इस कदर नजदीक आ गया कि ये एक आग उगलते हुए सियारे में तब्दील हो गया। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये सियारा अपने सूरज के इस कदर करीब है कि हर रोज इसका बहुत सारा मास इसकी सूरज की तरफ से आने वाले शमसी तूफानों और खुद इसके आतिश फिशानों से निकलते हुए लावे की वजह से कम होता जा रहा है। हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ये सियारा अपना नामो निशान ही खो दे और मुकम्मल तौर पर अपने सितारे की वजह से भाप बनकर खला में तहलील हो जाए।